नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद पर एक महिला ने दुष्कर्म करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। इसको लेकर पीड़ित महिला द्वारा बताया जा रहा है कि नगर निगम के वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल से किसी बात को लेकर पीड़ित महिला से विवाद हो गया, जिसके बाद आक्रोशित होकर रंजीत मंडल ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस दौरान महिला के कपड़े भी फाड़ दिए गए। पीड़ित महिला के परिजन का कहना है कि वार्ड पार्षद रंजीत मंडल ने महिला को चेतावनी देते हुए ऊंची आवाज में बात करने पर उसके पति की भी हत्या कर देने की बात कही, जिसके कारण उसका पूरा परिवार अनहोनी की आशंका से डरा सहमा हुआ है। साथ ही कहा कि वार्ड पार्षद रंजीत मंडल और उसके भाई शेखर मंडल ने पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर इलाके के लोग उससे डरते हैं। इसके अलावा पीड़ित पक्ष का कहना है कि एक प्रतिनिधि अगर अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखकर इस तरह का कार्य करेंगे तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। वहीं पीड़ित महिला ने वार्ड पार्षद रंजीत मंडल द्वारा उसका मंगलसूत्र भी छीन लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद के खिलाफ महिला ने भागलपुर के विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि अब देखना यह है कि इस मामले में भागलपुर पुलिस किस प्रकार से छानबीन और एक जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करती है। तो उसके साथ वो लोग मारपीट करने लगे और मेरे पति तो फिर घर आए, तो हम और मेरे सास दोनों गए थे वहाँ कि काहे मारपीट किया, तो हमको भी घिंचातड़ी करने लगे और बाल उल घिंचने, दो थाप भी मारे और मैं मंगलसूत्र घिंच ली। रंजीत मंडल मुखिया है। हाँ, और उसके और दोनों भाई हैं और वो सब भी बोलने लगे कि तुम्हें पति को मार देंगे, उठा लेंगे, तुम जहाँ पे दिखेगी उठा लेंगे, धमकी सब देने लगे। कौन बोल? रंजीत मंडल और वो सबके भाई, उसके भाई। क्या नाम है भाई लोग का? नरेश मंडल और शेखर नारायण। बिजली मिस्त्री को बुलाने के लिए सर, तो बिजली मिस्त्री घर पे नहीं था, तो बिजली मिस्त्री घर पे नहीं था तो हम रिटर्न उधर से आने लगे। मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी और फिर जब हम वहाँ पे थोड़ा सा रुक गए, पुलिस को देख करके वहाँ पे रुक गए, जांच करने के लिए आई थी, तो शेखर मंडल निकल के डायरेक्ट बोलता है तुम यहाँ पे क्या करते हो, गाली गलौज करते हुए और मारपीट करने लगा। शेखर मंडल रंजीत मंडल पार्षद का भाई है, 13 नंबर वार्ड पार्षद का भाई है और मारने लगा। बस जब इकल्ला पा करके सर हमसे धक्का मुक्की होने लगा थोड़ा मोड़ा, तो नहीं हो पाया तो अपना भाई को बुलाया रंजीत मंडल को, वो भी हमारे साथ में मारपीट करने लगा, लात घुसा मारने लगा और फिर उसका नारद भाई था छोटा भाई, वो भी हमको पूरा लात घुसा पूरा मारने लगा। वाइफ के साथ क्यों मार? वाइफ जब बोलने लगी कि मेरा पति को काहे मारने लगे, तो उसी में सर मेरा वाइफ को भी सर ब्लाउज ब्लाउज फाड़ दिया और प्लस में मंगलसूत्र भी छीन लिया रंजीत मंडल, और उसके बाद जो है कि पूरा भद्र भद्र गाली देने लगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ज़्यादा बोलोगी तो रेप कर लेंगे, ऐसे वो कर लेंगे वैसे कर लेंगे, और मेरी मम्मी को भी पूरा गाली गलौज करने लगा कि मेरा बेटा को काहे मारपीट किया। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरहट्टा चौक के समीप भगत सिंह कॉलोनी में गुरुवार की देर शाम इंटर के छात्र प्रियांशु मोदी को अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं इसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्रियांशु को पटना रेफर कर दिया और एम्बुलेंस से पटना ले जाने के क्रम में मध्य रात्रि को खगड़िया के आसपास छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव को लेकर पुनः मायगंज अस्पताल पहुंचे। वहीं इस हत्याकांड मामले को लेकर शनिवार को भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा कर दिया। एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जबकि घटना के बाद पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू कर दी और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने अकेले ही युवक को गोली मारने की बात कही, जबकि उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि आधा दर्जन संदिग्धों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर महज कुछ ही घंटों में इस हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया, जबकि घटना को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मारुफचक निवासी रविशंकर ने अंजाम दिया, जो पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना का कारण प्रेम प्रसंग है, जिसको लेकर हत्यारे ने पहले भी प्रियांशु को चेतावनी दी थी। उसके पास ही एक छोटा सा पोखरा टाइप का था,
उसी के आगे झाड़ी झाड़ियों में हथियार फेंका गया था। कल परसों रात से ही हम लोग लगे हुए थे उसको बरामद किए, कल ये बरामद। हत्या का कारण हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। एक लड़की से जो घटना कारित करने वाला है रविशंकर, वो प्रेम करता था और इधर उस लड़की की जान पहचान मृतक से हो गई थी कुछ महीनों से, और जो इसने घटना की है उसने मृतक को पूर्व में भी बोला था कि आप ये काम नहीं करो, लेकिन उसके बाद फिर उसके मन में यह विद्वेष उत्पन्न हुआ, उसके क्रम में यह नहीं, अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इसका अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, प्रेम प्रसंग का मामला है और उसने यह कार्य किया। लड़की की कोई संलिप्तता नहीं, अभी तक तो उसकी संलिप्तता कोई सामने नहीं है। पूछताछ नहीं करेगी लड़की से? नहीं, पूछताछ नहीं, हम लोग साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ है उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन हुआ है, CCTV फुटेज है हमारा, और वहाँ पे घटना के आसपास जो लोग उपस्थित थे या जो मृतक के जो मित्र मंडली के लोग उनसे बातचीत हुई है, और उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई। नाथनगर के कर्णगढ़ स्थित आयुर्वेद कॉलेज में शनिवार को 2 दिवसीय पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों और पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और भगवान धन्वंतरी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में विभिन्न पदों पर कार्यरत या सेवा दे चुके आयुर्वेद कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का स्वागत फूल माला और बुके देकर किया गया, जिसमें 100 से अधिक पूर्ववर्ती छात्र छात्रा शामिल हैं। बता दें कि यह कार्यक्रम आयुर्वेद की महत्ता और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का स्वर्णिम एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा की गई थी और आयुर्वेद को लेकर अंग जनपद की भूमि हमेशा उन्नत रही है। प्राचार्य ने बताया कि आज के दौर में आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति विलुप्त होती जा रही है, जिसे आगे बढ़ाने की और इसकी महत्ता से लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंग जनपद की यह चंपा नगरी आदिकाल एवं पौराणिक काल से ही व्यापारिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्थान का केंद्र रही है, जबकि पुरातत्व सभ्यता और संस्कृति का महान केंद्र के रूप में भी इसकी पहचान रही है। साथ ही कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है, जहां वर्तमान छात्र अपने सीनियर पूर्ववर्ती छात्रों से मिलकर कई अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। मौके पर पूर्ववर्ती आयुर्वेद के कई डॉक्टर छात्र छात्राएँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। समारोह हो रहा है, ये दूसरा कार्यक्रम है भारत वर्ष में, जो कि दूसरी बार जो है जो न्यूज का आयोजन किया गया भारत प्रथम से बनारस में हुआ अंतरित हम जो है भागलपुर में अपने महाविद्यालय। आज हमारे बीच महाविद्यालय के बच्चे छात्र हैं, हमारे देश के कोने कोने में जो है अच्छे अच्छे जगहों पर स्थापित हैं और वहाँ से चल करके आपके महाविद्यालय में महाविद्यालय में आए हुए हैं और आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की धरती भारत वर्ष में ऐसे आयुर्वेदिकों को दी है जो कि जहाँ भी है वहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी आए हुए हैं, कभी यहाँ के छात्र हो सकते हैं और दरभंगा और भागलपुर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रचार हमारे ज्येष्ठ बगल डॉक्टर प्रमोद सिंह हैं, ये विधायक हैं और ये हमारे छात्र रहे और गरीब छात्र रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरैली थाना क्षेत्र के पटौदी गांव में शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि आग सबसे पहले डब्ल्यू यादव के घर में लगी थी और देखते ही देखते भीषण रूप लेते हुए आग आसपास के कई घरों में फैल गई। वहीं आगजनी की घटनाओं को लेकर बताया जा रहा है कि डब्ल्यू यादव से सटे 8 घरों में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान, नकदी रुपये और अनाज के अलावा 2 गाय, 1 बछड़ा एवं 2 बकरी भी आग में झुलस गई। इधर आग के भयावह रूप को देखते हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना कजरैली थानाध्यक्ष नवनीत कुमार को दी, जिसके बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष नवनीत कुमार दलबल और फायर ब्रिगेड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं इसके बाद काफी मशक्कत के बाद कजरैली थाना और अग्निशमन की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। इधर आग लगने की सूचना मिलने पर विशन रामपुर पंचायत के मुखिया पवन यादव पीड़ित परिवारों से मिलने गांव
गांव पहुंचे और राहत कोष से सहायता राशि का भुगतान करते हुए आगे भी हर संभव मदद दिलाने का प्रयास करने की बात कही। वहीं कसरैली थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी को दिए गए आवेदन में लक्ष्मण यादव, बबलू यादव, डब्लू यादव, राजू यादव, मनोज यादव, रामदेव यादव, संजय यादव और जानू यादव का घर आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो जाने की बात कही गई है, जबकि सभी पीड़ित परिवार द्वारा आपदा के तहत सहायता राशि मुहैया कराने की मांग की गई है। वहाँ जो धक्का लगे नहीं तो वहाँ से दर बंद लगे कैसा निकलते घर भैया कुछ निकालते गाय जरी गए दस बीस मन चावल गहूम सब जरी गए कैसा जल कैसा छेबे के लिए जानबे 12 बजे गहूम काटे गलो चलिए घरों पर नलिए तोरा कैसा जानकारी मिले आबो अल्लाह कल के तब अलो की चल रहा लोग आदा कल के तब अलो गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और तेज धूप के साथ मौसम की गर्माहट भी बढ़ने लगी है। वहीं जैसे जैसे गर्मी और तेज धूप बढ़ती जा रही है वैसे ही जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर निगम क्षेत्र में जल संकट की समस्या लोगों को परेशान करने लगी है। गर्मी में जल स्तर के नीचे जाने से हैंडपंप और बोरिंग के साथ कई जगहों पर समरसेबुल भी खराब होने लगा है, जबकि एक बार फिर से गर्मी में लोगों को जल संकट की समस्या से राहत दिलाने में भागलपुर नगर निगम प्रशासन कितना सक्षम हो पाता है ये एक बड़ा सवाल है। आए दिन शहर में किसी न किसी वार्ड के मोहल्ले में बोरिंग खराब होने या पानी की समस्या आम बात हो गई है, लेकिन इसको लेकर जिम्मेदार पदों पर बैठे पदाधिकारियों या जनप्रतिनिधियों से सवाल किया जाता है, सभी अपनी जिम्मेदारी से बचते और गोलमोल जवाब देने में जुट जाते हैं। वहीं गर्मी में नगर निगम क्षेत्र की जनता को जलापूर्ति की समस्या से निजात दिलाने को लेकर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हर वर्ष गर्मी में जल स्तर नीचे चला जाता है जिससे पानी की समस्या होती है, जबकि तत्काल इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम द्वारा सभी 51 वार्ड में जगह चिन्हित कर दो दो प्याऊ का निर्माण कराया जाएगा जिससे लोगों को जल संकट की समस्या से राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बुटको के प्रोजेक्ट से गंगा की मुख्य धारा से पानी लाने के लिए कार्य चल रहा है जिसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि नगर सरकार द्वारा शहर के सभी वार्डों में दो दो प्याऊ लगा देने से कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा और क्या लोगों को नगर निगम क्षेत्र की जलापूर्ति समस्या का समाधान केवल प्याऊ निर्माण से संभव हो पाएगा। देखिए ये तो सबों को पता है कि पानी का स्तर नीचे चला जाता है गर्मी के दिनों में। हम लोगों ने अभी दो दो प्याऊ सारे वार्ड में देने का प्रस्ताव रखा है और वो प्रस्ताव पारित भी हो गया है। पहले से एक प्याऊ बन रहा है, कहीं पे बन गया है और कहीं पे कार्यरत है, तो हमको लगता है इससे सब वार्ड का समस्या दूर हो जाएगा। और जहाँ तक बात है पानी लाने का, तो पानी तो वहाँ से लाया ही जाए, जहाँ मेन धारा है वहाँ से पानी लाना होगा। और सबसे बड़ी बात है बुडको की जो बुडको कंपनी है बरारी वाटर वर्क्स में जो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास वो उसका बन रहा है, तो उसमें तभी टाइम लगेगा। हमको लगता है 1 साल करीबन लग जाएगा। पाइपलाइन कुछ अभी बिछने बाकी हैं और अभी प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है, तो इसके पहले हम लोग वो पियाऊ से लोगों का जो भी कमियां हैं पानी की जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन।
हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मनरेगा योजना में लूट का सिलसिला जहां आम बात हो गई है, वहीं इसको लेकर भागलपुर के पीरपैती प्रखंड से भी मजदूरों की मजदूरी की राशि गबन का मामला सामने आया है। दरअसल पीरपैती में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत मजदूरों को दी जाने वाली राशि गबन की बात सामने आई है। वहीं इसको लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी दिवेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आवास योजना के तहत आने वाले लेबर के पेमेंट की रकम डाटा ऑपरेटर के द्वारा सीधे लाभुक के खाते में जमा करने का प्रावधान है, लेकिन मामले में अनियमितता बरतते हुए राशि को लाभुक के खाता में ट्रांसफर नहीं कर उस पैसे का ट्रांसफर किसी गैर लाभुक के खाते में भेज दिया जाता है, जो गलत है। दिवेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आवास योजना के तहत मजदूरों की मजदूरी के लिए 15 से 17 हज़ार की राशि आती है जो ऑपरेटर द्वारा लाभुक के खाता में जमा होता है। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से इस कार्य के लिए ऑपरेटर की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होने या गैर लाभुक के खाता में राशि जाने पर मामले में उचित संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही कहा कि एक सप्ताह के अंदर मामले की पूरी जांच कर पैसे की गबन की रिकवरी कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि इसमें गड़बड़ी पाए जाने वाले दोषियों पर विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवा कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने बताया कि वो इस मामले की अविलंब जांच कराकर सही आवास लाभुक का आवास बनाकर कार्य पूरा कराया जाएगा, जबकि लाभुक को उसकी मजदूरी का पैसा नहीं मिलने पर लिखित आवेदन के आधार पर लाभुक के खाते में राशि मुहैया की जाएगी, जबकि गैर लाभुक के खाते में कर्मचारियों के द्वारा पैसे भेजने के मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एक आध प्रॉब्लम आया है, जो केस आया है, पता चला है कि जैसे ही हमको पता चला दोनों ऑपरेटर को यहाँ से बर्खास्त कर। क्या क्या नाम है सर ऑपरेटर का? धीरज कुमार और प्रमोद कुमार, यहाँ बर्खास्त कर दिया गया है फिलहाल, और उस पर हम जांच कर रहे हैं। जांच करके जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। कब तक जांच हो जाएगी सर? एक सप्ताह लगेगा जाँच करने में। वो प्राइवेट स्टाफ था फिर सरकारी? प्राइवेट। तो प्राइवेट ऑपरेटर होकर के वो कैसे अकाउंट में पैसा भेज दिया करता है? नहीं, चेंज करने का कुछ रहता है उसमें, एक दो नंबर चेंज करके बदल सकता है। पूरा पदाधिकारी के आदेश से वो ऐसा काम क्यों करते हैं? हाँ, वो सबको जैसे लॉगिन पासवर्ड रहता है, हमारा मेन वही होता है ऑपरेटर ही। ऑपरेटर जो इंदिरा आवास में बहुत जांच सुनने होता है। और सब योजना में? योजना में तो जाँच होता है। जाँच होता है, कौन करता है सर? तो इंदिरा आवास में क्यों नहीं जाँच होता है कि वो लाभुक के खाते में जो शायद खाता दिए हैं देते हैं, उसको हम लोग सीधे डाल देते हैं। भागलपुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल प्रांगण में शनिवार को एक पेट ऑटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए सत्र 2023-24 के शुरुआत की औपचारिक घोषणा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भागलपुर टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, सीटीएस प्राचार्य आईपीएस मिथिलेश कुमार और विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर निहारिका भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में गोयनका ग्रुप के 29 वर्षों के बृहद अनुभव को एक आकर्षक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसमें गोयनका ग्रुप के विशेष शैक्षणिक पद्धतियों से अभिभावकों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शैक्षणिक के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, जो नई शिक्षा नीति में भी शामिल है। इस दौरान सीटीएस प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने अभिभावकों को प्रयोग कहानी के माध्यम से बच्चे के भविष्य निर्माण में माता पिता की भूमिका के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन मोटिवेटर रविकांत घोष ने किया। इन दिनों पूरे देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की धूम है और युवाओं से लेकर बच्चे भी आईपीएल के रंग में रंगे दिख रहे हैं। वहीं इस कड़ी में सोशल मीडिया पर भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी निवासी 5वीं के छात्र 11 वर्षीय अभिज्ञान राजपूत का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में
अभिज्ञान राजपूत ने आईपीएल को लेकर इंटरव्यू लिया है, जिसमें नन्हे अभिज्ञान ने रिपोर्टर के रूप में अपने गली में क्रिकेट खेलने वाले साथी खिलाड़ियों से आईपीएल 2023 सीजन के विजेता के विषय में बात करते दिख रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नन्हे रिपोर्टर की रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं हूँ अभिज्ञान राजपूत। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की अभी पूरी दुनिया में धूम मची है और पूरे देश विदेश से लोग आईपीएल खेलने भारत आते हैं और नेम और फेम कमाते हैं। तो सिवाय एक देश पाकिस्तान के, क्योंकि भारत से पाकिस्तान के संबंध अच्छे ना होने के कारण बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आज हम लोग अपने गली क्रिकेट के दोस्तों से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है, इस बार का आईपीएल कौन जीत के जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार का आईपीएल कब कौन लेके जाएगा? लगता है एमआई लेगा। क्यों? क्योंकि एमआई अच्छा ही खेलता है इसीलिए। ठीक है, और सबसे पूछते हैं कि उनका उनकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? सीएसके। लेकिन क्यों? ऐसे ही मुझे पसंद है। आपको क्या लगता है? सीएसके। पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा टीम जीतेगा? एमआई। हमको भी वही लगता है। एमआई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।